हेलो गाइस, वेलकम बैक हैंडी टेक वर्ल्ड। दोस्तों, आज का वीडियो भी आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं दोबारा आईजी के साथ आया हूं और जो आपकी जो क्यूरी थी ऑप्टिमा E5 के ऊपर, उसके हम पूरे आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग थे। आईजी, फिर से आपका हैंडी टेक वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर आके आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप? बहुत बढ़िया लगा मेरे को आपसे मिलके भी और आपके YouTube के चैनल पे आके भी, और इस सेंसिटाइज कर रहे हो बेसिकली आप इलेक्ट्रिक के बारे में वर्ल्ड को, वो भी जानकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आयु जी, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन ये है कि इसकी जो टॉप स्पीड है वह कितनी है? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा ऑप्टिमा, ये मॉडल ऑप्टिमा E5 और इसकी टॉप स्पीड जो जाती है वो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर तक की, पर ये कई बार मीटर पे जो शो करेगी आपको 37-40 के बीच में ही शो करती है, पर एक्चुअल स्पीड 40-42 चलती है इसकी। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसका जो रेंज कितना है, अगर हम इसको एक बार फुल चार्ज कर देते हैं तो ये हमारा साथ कितना किलोमीटर तक दे देगी? 55 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज आती है, और वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर चला रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें मोटर कौन सा है, प्लस इसकी पीक पावर कितनी है? इसमें जो मोटर लगाई गई है वो लगाई गई है 600 वाट्स की मोटर, और इसकी पीक पावर 1200 वाट्स है, जो कि अगर आप चलाते हो कहीं पर भी तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप इलेक्ट्रिक चला रहे हो, आपको लगेगा कि आप नॉर्मल टू व्हीलर ही चला रहे हो। उसके बाद जो इसमें जो बैटरी डाली गई है वो कौन सी बैटरी है, प्लस वो कितना वोल्ट पावर जनरेट करती है? जो इसमें बैटरी लगाई गई है वो है लिथियम आयन बैटरी, जो कि आपके साइड में रखे हुए आप दिखा सकते हो सबको, व्यूअर्स को भी। ये लिथियम आयन बैटरी जो है 48 वोल्ट्स के अंदर है, और इसके जो पावर है 28 AH की है, जिसको आपको चार्जिंग टाइम जो आपका है इसका आपका 3-4 आवर्स का है, और ज़ीरो से आप चार्ज करते हैं तो मैक्सिमम 4.5 आवर्स। और इसमें कितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है एक बार फुल चार्ज करने में? कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका जो है 2 यूनिट्स है पर फुल चार्ज। जो इसकी बैटरी है उसको हम कितने साइकिल तक हम चार्ज कर सकते हैं, और प्लस इसकी वारंटी कितनी है बैटरी की? इसकी वारंटी जो बैटरी की है वो है 3 ईयर्स की, और साइकिल्स की अगर आप बात करते हैं तो 800-900 साइकिल्स इसकी जो है आपकी पर, मतलब टोटल पूरे लाइफ लॉन्ग आपकी आती है। और उसके बाद अगर 3 साल में कुछ भी अगर इस बैटरी में फॉल्ट होता है तो ये जो बैटरी है वो पूरी रिप्लेस हो जाएगी, कोई हमको एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं देने पड़ेगा? अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं तो कंपनी आपको कभी भी वारंटी देने से मना नहीं करती है, पर आप सर्विस नहीं कराते तो वारंटी में दिक्कत आती है। अगर बाई चांस किसी बंदे ने इसकी सर्विसिंग नहीं कराई, या उसकी सर्विसिंग में भूल गया, या उसके पास टाइम नहीं मिला, तो उसके बाद अगर इसकी बैटरी में कुछ फॉल्ट होता है तो इसके क्या टर्म एंड कंडीशन है, और प्लस इसमें क्या हमको सर्विसिंग कराने का ज़रूरी है कि नहीं, थोड़ा ये भी थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए। देखिए, अगर हम वारंटी की बात करते हैं सर्विस को लेके, अगर आप इसमें सर्विस नहीं कराते हैं तो इसमें वारंटी कंपनी ने सीधा सीधा मैनुअल के अंदर लिखा होता है, चाहे कोई भी कंपनी के आप लेते हैं, अगर सर्विस नहीं होगी तो आपकी वारंटी जो है वॉइड कर दी जाती है, लैप्स हो जाती है बेसिकली इसको कहते हैं। और सर्विस की अगर हम बात करें तो सर्विस इतनी बहुत चीपली है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शोरूम कॉल करके विजिट अरेंज करा सकते हैं पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, उसके चार्जेस होते हैं, आप इजीली उसको, मतलब अगर आपको टाइम नहीं है तो सर्विस जब भी आप करा सकते हैं। और सर्विस की बात करें तो उसके अंदर मोटर की सर्विस होती है आपकी, कपलर्स की सर्विस होती है, मतलब कपलर में कार्बन आ गया कुछ आ गया तो वायरिंग अगर कोई आपकी डैमेज हो रही है तो वो सही की जाती है, और बाकी बेयरिंग ब्रेक्स जो कि नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ लें इलेक्ट्रिक चाहे कुछ भी तो सर्विस तो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके ऊपर आप बैठ के चलें और उसकी सर्विस ना कराएं तो वो तो ये हो गया कि ख्याल नहीं रखना होगा किसी चीज़ का, और अपना ख्याल रखोगे चीज़ों का रखोगे तभी वो आपके साथ चलेगी। आइए जी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या ये बारिश में भी ये स्कूटी हमारे साथ दे देगी? ऐसे तो नहीं कि अगर हल्की सी हुई बारिश या ज़्यादा बारिश हुई तो हमारी स्कूटी ये बंद हो जाएगी? अगर बारिश की बात करते हैं तो मैं बताना चाहूँगा, जो इसकी मोटर वगैरह डिज़ाइन की गई है वो की गई है वाटरप्रूफ मोटर, अगर इसमें कुछ भी बारिश हो या आपका पानी भर भी जाए तब भी आपको कोई इशू नहीं आता इसके अंदर, क्योंकि जो इसकी टेस्टिंग होती है जब मोटर बनाते हैं तो हफ्तों की मोटर पानी में चलती है आपकी, तो इससे पता लग जाता है। और मैं आपको इनको शेयर भी करूँगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया था एक बारी कि फ्लैश E5 की जो मैं बता रहा था कि चल रही थी, सारे मॉडल्स बनते थे फ्लैश चल रही थी पानी में वेला, तो मैंने वीडियो इनका जो मैंने दिखाया तो मैंने देखा था, और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं ऊपर वाली वीडियो चल रही है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया इससे मिल गया होगा कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये पानी में भी आराम से चल सकती है। मगर जो इसका कंट्रोलर है, जैसे ये यहाँ पे सेट होता है, वहाँ तक पानी नहीं आना चाहिए, और आपका पानी अगर यहाँ तक भी आता है तो भी आपकी
हाँ, तो फुल टायर भी अगर पानी में डूब जाता है तो भी आपकी जो गाड़ी है वे रुकेगी। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक खासियत है कि कितना भी बारिश हो ना, आप आराम से उसको आप ड्राइव कर सकते हैं। जनरली जो हमारे दोस्त होते हैं उनके मन में ये सवाल पक्का आता होगा कि बिजली है उसका जो दुश्मन होता है वो होता है पानी, मगर एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो पानी से ही पैदा होती है। उसके व्हील में जो मोटर दिया गया है वो पूरा ही वाटरप्रूफ मोटर दिया गया है, उसमें पानी घुस नहीं सकता है। तो इसमें क्या कोई 1% चांस है कि पानी उसके अंदर चला जाए? अगर पानी कल को जैसे आपकी किसी मोटर सर्विस और बाई चांस चला भी जाता है तब भी आपकी मोटर ख़राब नहीं होती, पानी के साथ साथ चलेगी। जैसे आप शोरूम पर लाकर सर्विस कराते हैं, क्लीनिंग कराते हैं, तो फिर आपके सब कुछ ऑल राइट हो गया। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसकी वेट कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितने लोग इस पे एक साथ जा सकते हैं, 2 या 3 या 4? ट्रैफिक रूल्स है उसमें केवल 2 ही अलाउ होता है, मगर एक्चुअल कभी ऐसी सिचुएशन आप लोग के साथ आती होगी, आप लोग 3 फ्रेंड है और आपको कहीं जाना है, तो क्या हम इसमें 3 लोग एक साथ हम जा सकते हैं? 3 लोग इजीली बैठे जा सकते हैं इजीली, क्योंकि 200 kg तक इसकी वेट कैपेसिटी है। जैसे अभी हम घूम के भी आए रोड ट्रिप्स के अंदर, कि हम फ्लाईओवर पे भी गए, अंडरपास में भी गए, तो आपको कहीं ऐसा भी नहीं लगा होगा कि कुछ हुआ इलेक्ट्रिक के अंदर, कुछ चेंज भी हुआ है। पहले के मॉडल्स जो थे उनमें मैं मानता हूँ कि उसमें स्पीड धीरे होती थी, पर इसमें आपका सब कुछ कॉन्सेंट रहता है। मतलब इसमें आप 3 लोग भी आराम से बैठ के आप जा सकते हैं, मगर आप 3 लोग बैठना नहीं, अगर बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ही आप इसमें बैठना, नहीं तो आप रूल के खिलाफ हो जाएगा। सही बोला आपने, रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि आप कोई भी नियम कानून जो है वे बिल्कुल अपने हाथ में मत लीजिए, और उसको कोई भी जो ट्रैफिक रूल्स होता है उसको आप हमेशा फॉलो करके चलिए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी आफ्टर सेल्स एंड सर्विस के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सेल्स एंड सर्विस के बारे में अगर बात करते हैं, सेल तो आपका एक पार्ट हो गया, सर्विस की बारी आती है तो सर्विस इसकी आप टाइम टू टाइम कराओगे तभी वारंटी आपकी सही रहती है, और दूसरी आपकी बाइक भी सही रहती है। जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि अगर आप दूसरों की केयर करोगे तभी वो सही चलेंगे, अपनी केयर करोगे तो आप सही चलोगे। तो ये आपका साथी, अगर इसकी केयर करोगे तो आपका साथी आपके साथ हमेशा चलेगा। इसमें क्या गवर्नमेंट हमको सब्सिडी क्या हमको दे रही है, और प्लस सब्सिडी छोड़ के जो एक्स शोरूम प्राइस है वो हमको कितना पड़ जाएगा? देखो अगर हम बात करते हैं सब्सिडी की, सब्सिडी इसमें 22,000 की सब्सिडी मिलती है जो कि और किसी व्हीकल्स में नहीं मिल रही है। अगर हम इसके एक्स शोरूम की बात करते हैं तो उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 57,000 है गुड़गांव के अंदर, और ऑन रोड की बात करें तो अराउंड 64-65 की आपको ये पड़ जाती है इजीली, और 3 ईयर्स की वारंटी इसमें मिलती है आपको। और बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो डॉक्यूमेंटेशन में इंश्योरेंस, RTO सब होता है इसके अंदर, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिल जाता है, फाइनेंस आपकी होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, और 0 डेप इंश्योरेंस भी इसमें आपको मिल जाता है। और इसमें क्या हमको फाइनेंस का कोई इसमें ऑप्शन दिया गया है, क्या हम इसको भी फाइनेंस करवा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें फाइनेंस का ऑप्शन है, हम HDFC और बजाज फाइनेंस से फाइनेंस अभी फ़िलहाल करा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इजी हो जाता है फाइनेंस करना। बजाज से अगर आप बात करो, कार्ड करो और ले जाओ गाड़ी, वो वाली बात होगी। HDFC से जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं उसके बाद आपका जो है फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो जाता है आपको। और ये जो हमारी ऑप्टिमा E5 है तो इसका भी कोई नेक्स्ट वेरियंट कोई अभी क्या लॉन्च होने वाला है, कुछ इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? नहीं, फिलहाल अभी ऑप्टिमा का कोई वेरिएंट नहीं, सबसे लेटेस्ट वेरिएंट ही अभी E5 जो कि जस्ट लॉन्च ही प्रीवियस मंथ ही लॉन्च किया गया है, तो लास्ट मंथ अभी गया है, और इसके बाद अभी उम्मीद नहीं है, पर अगले साल जो है हो सकता है हीरो अपने और भी एक्साइटिंग मॉडल लॉन्च करे। तो दोस्तों ये थे आपके जो क्वेश्चंस जो आपने हमारे कमेंट सेक्शन में किए थे, आई होप आपको पूरे क्वेश्चनों का आंसर आयु जी ने काफ़ी अच्छे से दिया। उसके बाद भी अगर कोई आपके क्वेश्चंस है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। आयु जी, जाते जाते आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा सब इलेक्ट्रिक अपनाओ और देश को स्वच्छ बनाओ। तो दोस्तों आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, अगर छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं जल्द लौटूंगा इस वीडियो से जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।